hello student myself professor gada keses from snd college of engineering and research center Eula. student we are learning the final year subject that is the solar and wind energy from that subject up to the last lecture from unit number 1 to 4 we have seen all the points also from the unit number 5 we have seen some points so uh, let's see which point we have discussed that is basics of wind energy that we have discussed. Principle of wind energy conversation. So how that wind energy get converted into the mechanical or electrical power that we have seen. Then basic components of wind energy conversation system also we have seen. So many components are involved and we have studied all the components. Then also we have studied the types of wind energy. That means how many types of wind energy is available that also we have seen now we are going to see the next point in the today's lecture that is the types of wind mill so let's see how many types of wind mill are there generally two types of wind mills are there all of you understand two types of wind mills are there first one horizontal axis wind mill as per the name horizontal axis wind mill that means the shaft of the rotor of the blades are in the horizontal position that's why it is called the horizontal axis wind mill. so here i have shown one diagram related to the horizontal axis wind mill. so here blades catch the wind in the spin so generator is there mechanical energy into the electrical energy and that cables are carrying the electrical gener energy generated by the टर्बाइंस और जनरेटर्स ओके सो कंप्यूटराइज कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड्स सो डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड्स आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम सो दैट इज नथिंग बट द हॉरिजेंटल एक्सिस वाइन मिल एज पर देशम हॉरिजोंटल एक्सिस वाइन मिल मीन्स द शाप्ट ऑफ द रोटर आर इन दॉरिजेंटल पोजिशन नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द वाइन मिल इज दियर देट इज नथिंग बट द वर्टिकल एक्सिस वाइन मिल As for the name vertical axis wind mill, that means the axis or the axis of the shaft of the rotor is in the vertical direction. So, if you are able to see here in the diagram, I have shown you one diagram. So, in that diagram, the axis of the shaft of the rotor is in the vertical position. Okay. So, that's why it is called as the vertical axis wind mill. सो टू टाइप्स एंड वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल एक्सेस वाइन मिल एंड हॉरिजेंटल एक्सेस वाइन मिल वी आर गोइंग टू सी इन द डिटेल्स पॉइंटर वाइन को एच ए डब्ल्यू टी वी शॉर्टकट में कर सकते हैं तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर मैंने लिख के बताइ है क्या कि

क्ट्रिसिटी को जनरेट करता है ये हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन यहां को नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या कि इट हैज थ्री टर्बाइन ब्लेड द मैकेजम सिस्टम आर सेट हॉरिजेंटल मीन्स इसकी जो ब्लेड होते हैं देख सकते हैं ये आपके सामने कि हॉर्जेंटल एक्सिस विन टर्माइन का डायग्राम नजर आ रही है तो इसकी जो ब्लेड लगी होती है देख सकते हैं ये तीन को ब्लेड लगे होते हैं दो को ब्लेड आपके सामने नजर आ रही है नाइनटी डिग्री पे और ये जो और जो ब्लेड होती है आपके सामने ये अपोजिट साइड में होती है तो ये तीन को ब्लेड लगे होते हैं अब बोल रही है कि द मैकेनिज्म सिस्टम आर सेट हॉर्जेंटल मीन्स हॉर्जेंटल एक्सिस विंड टर्माइन को आखिर हॉर्जेंटल एक्सेस विन टर्माइन क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म होती है ये जो समझ में आ रही है आपके सामने जो मैकेनिज्म लगे हुए हैं

इलेक्ट्रिसिटी को क्यों जनरेट करते हैं हमें भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सके सेव कर सके इसी कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं एक हवा के सहयोग से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभदायक है यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि इट मोस्टली यूज एट अर्बन एरियाज़ मीन्स इसका अधिकतर यूज हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अर्बन एरियाज़ में मीन्स जहाँ पर रूरल क्षेत्र एरिया होती है मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलती है उस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर हॉरिजेंटल का यूज किया जाता है हम सब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आखिर में कौन कौन पार्ट से इसका एक्सिस विंड टर्माइन का कंस्ट्रक्शन बना होता है देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन है ये

टर्बाइन ब्लेड बोल सकते हैं या इसे ब्लेड भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे तीन वाल तीन गो ये ब्लेड लगे होते हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे के अपोजिट में लगे होते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं देख सकते हैं आप ये ब्लेड है अब ब्लेड के बाद हम जैसे ये एक सांप का यूज करते हैं इस चीज को सांप बोलेंगे यहाँ सांप का यूज किया गया है अब सांप का यूज करने के बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं एक मैकेनिज्म यूज करते हैं वो मैकेनिज्म को बोलते हैं गेयर बॉक्स तो इस चीज को यहाँ पे हम यहाँ पे गेयर बॉक्स बोलेंगे क्योंकि ये क्या काम करती है गेयर बॉक्स हमारा जो भी यहाँ पर रोटेशन घूमती है तो ये क्या करती है जो बड़ी गेयर नजर आ रही है वो छोटी गेयर साथ अटैच होती है जहाँ पे हमें यहाँ पे ज्यादा टॉर्क मिलती है मीन ज्यादा स्पीड इससे गति मिलेगी और स्पीड से हमारे जनरेटर को घुमाएगी और इसके सहयोग से हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे क्या एक जनरेटर को तो ये इस चीज को क्या बोलेंगे यहाँ पर जनरेटर बोलेंगे ये हमारे जनरेटर है और जनरेटर के साथ हम अटैच करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर को इस चीज को इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर बोलेंगे कि आखिर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर का क्यों यूज़ करते हैं कि हमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करके बताती है कि अगर हमारा जो बैटरी ये पूरी तरह से फुल हो गई तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना बंद कर देती है हमें ये पूरी तरह से कंट्रोल करती है इलेक्ट्रिसिटी को इसी तरह यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है और ये जो मेरा निक्ल है इसके ऊपर जस्ट लगाते हैं तो एरोनोमोमीटर यहाँ पर हम एरोनोमोमीटर बोलेंगे तो ये क्या करती है हमें हवा का डायरेक्शन को बताती है कि किस साइड में कौन सी हवा चल रही है ईस्ट में चल रही है वेस्ट में चल रही है साउथ नॉर्थ में तो हमें ये डायरेक्शन करके बताती है एयरनोमीटर तो अब हम क्या करते हैं जस्ट इसके नीचे के सा समझते हैं क्या ने? कि हमारे जो टावर है इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म लगे होते हैं तो यहाँ पे हम एक और मैकेनिज्म का यूज किया जाता है याओ सिस्टम था है। याओ सिस्टम सिस्टम का यूज किया जाता है है ये हमें ये क्या होता हमें जो मेरा निसेल है इसे रोटेशन कराती है कि हमें किस साइड में हमारा हवा चल रही है तो ये क्या करती है एक तरह से गेयर मेकेजम होते हैं यहाँ पर मोटर लगे होते हैं जिस सहयोग से ये जो पूरा सिस्टम है ये जो मेरा मैकेजम इसे रोटेशन करवाती है पूरी तरह से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ मींस चारों अराउंड डायरेक्शन में से घुमाती है इसी कारण यहाँ पे हमें याव सिस्टम का यूज किया जाता है अब क्या होती है यहां पे जनरेटर जो मेरे लगी हुए जनरेटर से यहां पर केवल आती है देख सकते हैं यहाँ पर केवल है तो ये केवल के सहयोग से हम जस्ट नीचे में आती है और केवल हमारा यहाँ पर क्या लगाते हैं एक बैटरी को लगाते हैं मीन्स इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम का यूज किया जाता है मीन्स एक तरह का बैटरी होती है जो पूरी तरह से यहाँ पर दो गो वायर होती है जो अंदर में एक साथ आती है और यहाँ पर पूरी तरह से बैटरी में कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मिलते हैं कि जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है इसमें हम करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग अर्बन एरिया में यूज करते हैं इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है क्या है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चलती है तो देखिए इसे इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या होती है कि जैसे किफेयर में जो भी एयर है वहां पर जो भी हवा चल रही है तो ये माली एयर है तो एयर है तो एयर यहां से जैसे ही चलेगी जैसे ही पूरी गति के साथ जैसे ही कहीं कहीं आंधी तूफान आएगी या फिर नॉर्मल हवा भी चलेगी तो ये पूरी पिकअप के साथ जो भी हवा बहेगी तो हमारा जो ये ब्लेड नजर आ रही है तो ब्लेड में जाकर टकराएगी ये ब्लेड में जाकर टकराएगी ब्लेड में टकराने के बाद क्या होगी ये तीनों ब्लेड में टकराने के बाद तो इसे नीचे की ओर पुश करेगी मीस यहाँ पे इसकी जो ब्लेड लगी होती है तो तिरछी आकार में रहती है तो जैसे ही इसके ऊपर टकराने के बाद ये जो ब्लेड है इसे रोटेशन करवाएगी ये रोटेशन करवाएगी मीस ये ब्लेड वैसे ही टकराएगी एवर तो ये पूरी तरह से ये नीचे

जो केबल लगा है, ये मेरे क्या केवल है तो केवल के सहयोग से यहाँ पे हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हमारा ये बैटरी स्टोरेज होने लगी पूरी तरह तो से बैटरी यहाँ पर मेरी चार्ज हो जाती है तो अब क्या होती है कि हमें अगर बैटरी को अगर पूरी तरह चार्ज हो गए तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर ये यहां पे जो भी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी यहां पे भेजना बंद कर देती है क्योंकि हमें पूरी तरह से स्टोरेज हो जाती है बैटरी को तो कभी कभी क्या होती है कि हवा का डायरेक्शन कभी कभी चेंज हो जाती है हवा जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारा जो ये जो निश्चय है इसे हम पूरी तरह से इसे रोटेशन कराना पड़ता है मीन्स अगर ईस्ट की ओर बह रही थी हवा अगर वेस्ट की ओर बहने लगी तो हमें ये पूरी सिस्टम को वेस्ट की ओर करना पड़ता है तो इस चीज को कौन बताता है ये जो अगर है ये हमें पूरी तरह से बताएगी कि हमें हवा की शेप होता है मीन उसी का एक तरह का प्रकार होता है जिस तरह से विंड टर्बाइन वर्क करता है उसी तरह से वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन भी वर्क करता है लिखी हुई क्या है कि वर्टिकल एक्सिस विन इज ए यूनिक टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी विंड मींस वर्टिकल एक्सिस विंड ट्रवाइन एक तरह का ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसके सहयोग से मींस हवा के सहयोग से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है तो उसी को हम लोग वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन कहते हैं इट हैज थ्री ब्लेड लाइक डी टाइप ब्लेड स कहने का मतलब है जो वर्टिकल एक्सिस जो विंड है उसके तीन गो ब्लेड होते हैं देख सकते हैं आपके सामने जो नजर आ रही है ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का डायग्राम नजर आ रही है इसकी जो ब्लेड देख सकते हैं ये वन टू थ्री तीन गो ब्लेड नजर आ रही है और जो ब्लेड होती है वो �uh डी टाइप में होती है मीनस इसकी जो शेप बनी होती है देख सकते डी आकार में बनी हुई है तो इसी कारण यहाँ पे डी टाइप ब्लेड कहा गया है इसको नीचे के पॉइंट में लिखी हुई है कि इट इज ऑल्सो डेरियस रोटर विंड टर्बाइन इसे हम लोग डेरियस रोटर विंड टर्बाइन भी कह सकते हैं तो इसके नीचे और पॉइंट में लिखी हुई कि दिस वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन मैकेनिज्म सिस्टम आर सेट वर्टिकल एक्सिस मीन्स कहने का मतलब है क्या कि जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन इसे हम लोग भर्टिकल एक्सिस क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो इसकी जो सिस्टम होती है जो इसकी मैकेनिज्म सिस्टम होती है वो जो बैठाई जाती है सेट की जाती है वो वर्टिकल एक्सिस

अर्बन क्षेत्र में इस वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का यूज किया जाता है किस लिए किया जाता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस विंड ट्रवाइन का यूज करते हैं क्योंकि जो अर्बन एरिया होती है वहां पर जो हवा होती है बहुत ज्यादा होती है तो जिसके सहयोग से हम लोग भर्टिकल एक्सेस विंड ट्रवाइन लगाते हैं और हवा के सहयोग के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो इससे क्या होती है हमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसे हम सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन के ओर चलते हैं कि आखिर कौन कौन पार्ट से इसका कंस्ट्रक्शन तैयार होता है कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है कि हम जो इस वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के जो फाउंडेशन करते हैं इसे जहां इंस्टॉलेशन करते हैं वो अर्बन क्षेत्र एरिया में करते क्यों क्योंकि वहां पे हवा की गति बहुत ज्यादा तेज होती है तो जिसके कारण से जो हम फाउंडेशन इसमें करेंगे काफी मजबूती से करेंगे क्योंकि इसकी हवा की गति से कारण ये पलट नहीं जाए इसी कारण इसकी जो फाउंडेशन होती है बहुत ज़बरदस्त मजबूती से बनाई जाती है तो ये देख सकते हैं इसकी किस तरह से फाउंडेशन है तो हम इसे ग्राउंड सरफेस के ऊपर इसमें बढ़िया से फिक्स कर देते हैं और इसके बाद क्या होती है फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर एक टावर को खड़ा करते हैं देख सकते हैं ये चीज़ मेरी टावर है तो इस चीज़ को हम यहाँ पर टावर बोलेंगे और टावर होती है और इसके ऊपर में हम क्या लगाते हैं एक यहाँ पर एक साप को लगाया जाता है जिससे हम लोग यहाँ पर इस सांप बोलेंगे इसे सांप है और सांप के बाद क्या करते हैं इसमें हम यहाँ पे ब्लेड को लगाते हैं इसमें ब्लेड लगी होती है तो ब्लेड यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लगी हुई है तो ये हम इस चीज को ब्लेड बोलेंगे जिसे हम लोग डी टाइप ब्लेड कहेंगे क्योंकि डी साइज में होती है डी आकार में होती है जिसके कारण इसे हम लोग डी टाइप ब्लेड कहेंगे हमें ऊपर में यहाँ पे अपर हब को लगाया जाता है ये ब्लेड को पूरी तरह से फिक्स रखने के लिए इसके बाद क्या होती है ये जो सांप है नीचे की ओर आती है हमारा टावर के अंदर अब हम जानेंगे इसके टावर के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं तो क्या होती है कि ये जो मेरे टावर है तो इस टावर के अंदर क्या होती है जैसे कि ये मेरा सांप है सांप के साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं यहां पर हम एक मैकेनिज्म का कर यूज करते हैं जिसको नाम है गेयर बॉक्स हम इसको गेयर बॉक्स यहाँ पे यूज करते हैं यहां पर स्टार्टिंग में बड़ी वाली गेयर लगी होती है और इसके नीचे जैसे छोटी वाली गेर होती है क्योंकि हम यहां ज्यादा स्पीड मिलेगी ज्यादा रोटेशन के लिए हम यहाँ पे बड़ी वाले गेर करते हैं और यहाँ पे छोटी वाले को गेयर को यूज करते हैं इसके बाद इसके साथ निकलती है सांप इस सांप के सहयोग से हम यहाँ पे जनरेटर को यहाँ पे लगाते हैं इस चीज को यहाँ पे जनरेटर बोलेंगे और जनरेटर साथ यहाँ पे हमने एक वायर को निकालते हैं जो के होती है और केबल के साथ हम कनेक्ट करते हैं किसको बैटरी को ये हमारी है क्या बैटरी इस बैटरी है यहाँ पे पॉजिटिव और तो क्या होती है यहीं से हम कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं यहाँ पे चार्ज करते हैं और इसके बाद हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं तो चलिए अब हम इसका वर्किंग समझते हैं आखिर किस तरह से ये बैटरी को चार्ज करता है हवा के सहयोग से तो इसे कि ये हम अर्बन क्षेत्र एरिया में जैसे लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर चलती है जिसके कारण यहाँ पे दे सकते हैं ये एयर है मान लीजिए तो एयर यहाँ पे है एयर हमारे यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होती है ये कंटिन्यू बहुत तेज़ी साथ बहती है और जिसके कारण क्या होती है ये कंटिन्यू बहने से ये जो इसकी जो ब्लेड नज़र आ रही है तो इसमें पूरी तरह से टकराती है एयर और टकराने से इससे पीछे की ओर ठेलती है मीनस यहाँ एक फोर्स लगती है और इसे पीछे की ओर पुल करती है जिसके कारण ये पूरी तरह से ब्लेड हमारा रोटेशन करना स्टार्ट हो जाती है ब्लेड मेरा यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगी और ब्लेड साथ हमारा कनेक्ट किया ये साफ है मीनस एक तरह का साफ रोटर भी यहाँ पर साफ रोटर भी यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगी और जैसे ही ये घूमेगी तो इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया है हमारा गेयर बॉक्स को तो जैसे ही गेयर बॉक्स हमारा यहाँ पे क्या हो घूमना स्टार्ट कर देगी ये बड़ी वाली गियर यहाँ पर घूमेगी बड़ी जैसे ही गियर घूमेगी तो इसको घुमाएगी इसके साथ जो कनेक्ट है हमारे छोटी वाले गेयर को भी घुमाएगी तो यहाँ पे हमें फुल स्पीड मिलेगी जिसके कारण से ये जो मेरा जनरेटर साथ कनेक्ट है साफ तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होगी और ये क्या करेगी को करने के बाद ये ये जो मेरा बैटरी है बैटरी को दे देगी और हमारा चार्ज होना हो जाएगा स्टोरेज होने लगेगी यहाँ पे जनरेट होगी जिसके कारण हम कहीं भी इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं कोई भी गुड वर्किंग के लिए तो ये होती है वर्टिकल एक्सिस विंड ट्रवाइन इस तरह से हवा के सहयोग से के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है